नमस्कार। बात विवाद के लिए मैं कौशिक। आज फिर भारतीय राजनीति का एक अध्याय समाप्त हुआ। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज दोपहर 12:07 पर एम्स अस्पताल में निधन हो गया, जिससे भारतीय राजनीति को बड़ा झटका लगा। आइए जानते हैं बक्सर के लोगों से उनके विषय में और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोपहर में ही यह दुखद समाचार मिला कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी नहीं रहे। उनके नहीं रहने से भारतीय राजनीति में काफ़ी कुछ खाली खाली सा हो गया है। जब तक वो रहे, वित्त मंत्रालय को उन्होंने बड़े काबिलियत से संभाला। छात्र राजनीति में भी वह उतने ही सक्रिय रहे दिल्ली के, और मैंने बहुत पहले से भारतीय राजनीति को एक दिशा देते रहे हैं। अब मेरे ख्याल से उनके जगह को भरना काफ़ी कठिन काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शारदा प्रसाद तिवारी। अरुण जेटली जी के निधन से मैं मर्माहत हूँ। देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वो पूर्व वित्त मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। उनके मृत्यु से देश को बहुत बड़ी हानि हुई है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि इसे वो सहन कर सकें। जी, क्या नाम है आपका? इंद्र प्रताप सिंह, बक्सर। अरुण जेटली के निधन से एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। पूरे भारत सरकार को भी और देशवासियों को। अरुण जेटली भाजपा के एक कद्दावर नेता थे। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय में वो काम कर चुके थे, और उनके निधन से एक रिक्तिका आ गई है भारतीय राजनीति में, जिसको पूरा करना संभव नहीं है। क्या नाम? मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। जी, क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा प्रसाद वर्मा। अरुण जेटली जी हमारे देश के बहुत अच्छे नेता थे, और पहले वो छात्र राजनीति में आने से पहले वो क्रिकेटर थे, और DDCA के भी क्रिकेटर थे। हम लोग भी क्रिकेटर हैं, इसलिए उनकी क्षति को पूरा करना देश नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार राय। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है, और अरुण जेटली ने भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अपना योगदान दिया। कद्दावर नेता रहे हैं, और भारतीय राजनीति में उनकी एक अच्छी पकड़ रही है, और उनके निधन से निश्चित ही हम सभी मर्माहित हैं और उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार चौबे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद भारतीय राजनीति का फिर एक अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे नेता माने जाते थे भाजपा के, वो कद्दावर नेता माने जाते थे। उनके जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष भी रहे हैं। वो एक बड़े और प्रबुद्ध नेता के रूप में जाने जाते थे। आज 12:07 पर उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। काफ़ी दिनों से वो बीमार रहते थे। आपने सुना है बक्सर के लोगों से उनके बारे में, उन्होंने क्या कुछ बताया, उनको कितना दुख है अपने इस नेता को खोने का। लोगों ने बताया कि हमने क्या खोया है अरुण जेटली को खो करके। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बेबात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।